जबलपुर की तहसीली चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकतंत्र का काला दिवस मनाया गया। सन 1975 में आपातकाल कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या कर लोगों को जेल में रखा गया था। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि संविधान की प्रतियां लेकर घूमने का। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के समक्ष एकत्रित होकर कांग्रेस का पुतला फूंककर हाथ में काली पट्टी बांधकर लोकतंत्र का काला दिवस मनाया और पोस्ट कार्ड लिखकर हस्ताक्षर किए और कांग्रेस के कार्यालय भेजे। आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 के दिन कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। आपको ध्यान में होगा, कांग्रेस शुरू से भारत की सत्ता को अपनी पैतृक संपत्ति समझती रही है, अपनी बपौती समझती रही है। सत्ता के नशे में चूर उस समय कांग्रेसियों का अहंकार इस तरीके से था कि वो नारे लगाते थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, पूरे देश को जेल बना दिया गया था। हमारे राष्ट्र प्रेमी लोगों को, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, देश हित की बात की, आज आप लोग यहाँ पर खड़े, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे लोकतंत्र के स्तंभों को डहाने का काम किया गया था। जिसने देश प्रेम की बात की उसको जेल के अंदर डाला गया, उसके ऊपर यातनाओं की हद पार की गई। आज जब हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समक्ष खड़े होकर, हमारे संविधान के रचयिता के समक्ष खड़े होकर पोस्ट कार्ड कांग्रेस कार्यालय में प्रेषित करके कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको पवित्र संविधान की दुहाई देने का अधिकार है क्या? आज आप संविधान को गले से लगाकर घूम रहे हो, लेकिन तब कहाँ गए थे जब इस देश में संविधान को ताक पर रखकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। चाहे हमारे पत्रकार बंधु हों, चाहे मीडिया के बंधु हों, चाहे जो देश की आवाज़ उठाने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, सबको रातों रात जेलों में ठूंस कर लोकतंत्र की हत्या की थी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जबलपुर महानगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कांग्रेस का प्रतीकात्मक पुतला यहां पर दहन किया है। और कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान को इस प्रकार से पहले 50 वर्ष पूर्व उसको हनन करने की कोशिश करें और आज उसकी प्रतियों को लेकर वो घूम रही है। ये शर्म की बात है। आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के रूप में कांग्रेस कार्यालय को पोस्ट कार्ड भी प्रेषित किए गए हैं और उनसे ये सवाल किया है कि आप इसके हकदार हो,